अब एक और नए सफर की शुरुआत, और सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूं, ये पंकज है। दरअसल इस रेल इंजन का नाम पंकज है। ये वही इंजन है जो सियासत में भी आजकल चर्चा में है, एक इंजन दो इंजन को लेकर, और ये वही इंजन है जो इस दुनिया की चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क को लगातार सतत बिना थके खींचता रहता है। 1926 में ये कमीशन हुआ, 1926 ही इसका निर्माण का वर्ष है। खैर, अब अगले पड़ाव की बात कर ली जाए तो अब संस्कारधानी यानी ऋषि जाबाली की धरती से हम एक बड़ा मूवमेंट करने जा रहे हैं। ऋषि जाबाली यानी जबलपुर की धरती से अब हम मूवमेंट करेंगे बिलासा बाई केवटिन, यानी जो 29 का महासंग्राम है, महासंग्राम 2024, 29 सीट मध्य प्रदेश और 11 सीट छत्तीसगढ़ की है। तो अब हम अपने कारवां को मोड़ रहे हैं, अपनी ट्रेन को मोड़ रहे हैं, अपनी गाड़ी को मोड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। और अब एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी हमेशा की तरह विपिन है और मैं आपका होस्ट ललित प्रजापति। फिर से शुरू करते हैं एक और सिलसिला, गाड़ी बुला रही है। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार नर्मदा एक्सप्रेस तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर, लेकिन दो महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों को ये छूती हुई चलती है। मैं आपको बता दूं, धन धान्य से यानी मालवा से लेकर, इंदौर से लेकर और बिलासपुर यानी धान के प्रतीक सूबे में ये ट्रेन जाती है। जिन दो लोकसभा क्षेत्रों का मैं जिक्र कर रहा था, एक है शहडोल जहां अभी हिमाद्री सिंह है, राज परिवार से आती है। शहडोल को ऐसे भी समझ लीजिए कि शुरुआत से लेकर अब तक सत्ता वहां तीन परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसके अलावा बात बिलासपुर की करें, लखीराम अग्रवाल का प्रभाव क्षेत्र ये माना जाता है। और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए वहां टोटल 8 सीट है, 2 कांग्रेस के पास है, 6 बीजेपी के पास है। लेकिन हम नए की खोज में निकले हैं, नए वोटर का मानस क्या है, न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि आम वोटर सोच क्या रहा है, जो पूरे देश का व्यक्ति है जो ट्रेन में ट्रेवल करता है। तो सबसे बड़े रेल नेटवर्क के साथ सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क, और अब शुरू करते हैं गाड़ी बुला रही है मैं लोगों से बातचीत का सिलसिला। अभी हमें ऐसे कोई सा योजना नहीं मिली है, नहीं तारी बंधन का बात उन्होंने कही। अब गांव जा रहे हैं, गांव जाने के बाद पता चलेगी, गांव जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, आपके हिसाब से मुद्दे क्या होने चाहिए, भले आप वोटर नहीं है। विकास सबसे बड़ी चीज है, विकास जो सरकार करते हैं वही अच्छे। रोजगार तो चुनौती है अभी भी, सरकारी नौकरी मिलना अभी मुश्किल है। पढ़ लिख के बहुत भाग रहे हैं सर, नौकरी चाकरी नहीं मिलती है। बाप पढ़ा लिखा के उनको कंप्लीट कर देते हैं, फिर कोई जॉब नहीं मिलता, परेशान रहते हैं सर, यही है मजबूरी। गोदी माटी भी खनथन ना, उसी भी पैसा नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, आज तक के भी पैसा नहीं मिला है, हम गोदी खने हैं। कमी तो पूरी सरकार की है, कुछ पूरा हो नहीं रहा है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, से इंदौर से आ रहे हैं हम लोग को, ट्रेन का जो जनरल वो गए कम पड़ रहा है, देना चाहिए कि झारखंड से विशेष आदमी आता है टूरिस्ट के लिए, तो इसे बढ़ाना चाहिए। काम वगैरह सब अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना? हाँ। कोई कमी? कोई कमी नहीं, हमारा गाँव अच्छा है, बेमेतरा जिला के। वोट करने जाते हो तो क्या सोचते हो? क्या सोचते हैं, जो अच्छा रहता है उसको वोट देते हैं। नेता वेता मिलते हैं आके जीतने के बाद? नहीं मिलते हैं, प्रधान रहता है वो मिलता है। प्रधान से जाके बोलते हो, समस्याएं सॉल्व होती हैं सब? हाँ, हो जाते हैं। प्रधान पैसे तो नहीं ले लेता? नहीं लेता। रोजगार की भी बात निकल रही है? हाँ, तो रोजगार बहुत से आदमी को रोजगार मिला, किसी को नहीं मिल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट कोई ख्याल नहीं कर रही। हाँ, बहुत से मकान निकल गए, हम लोगों के अभी मकान भी नहीं निकले हैं। वो प्रधानमंत्री प्रधान आवास वाला कहाँ अटका है मामला? वो का मालूम कहाँ अटकाए हैं कहाँ नहीं। कई बार कोशिश किया, कहते हैं यहाँ बन गए हैं तो और बनेंगे, कुछ अलॉट नहीं हो रहा, अलॉट नहीं हो रहा है। सरपंचों की कमी है जो कि आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, पैसा ऐसा भी मांगते हैं क्या पीएम आवास योजना? नहीं, वो तो अब जब बनाते हैं तो 10-20 हजार खा ही जाते हैं। खा जाते हैं? हाँ, आदत में है ये, आदत ही में है ऐसे सरपंच। करप्शन बड़ी बात है। हाँ हाँ, अभी भी है उनका वही हाल है, बिना पैसे के नहीं है। जबकि हम विकलांग भी हैं। अच्छा। और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है घर मकानों का। पीएम आवास योजना जिसे लेकर ये कहा जाता है माइलस्टोन योजना है, लेकिन ये आरोप भी है कि जिन पर उससे आगे बढ़ाने की, फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी है, वहाँ गड़बड़ की बातें, शिकायतें लगातार आती हैं। महंगाई की समस्या ज्यादा है और बेरोजगारी। महंगाई तो नेता कह रहे हैं कि कमाई भी बढ़ी है। एक तो काम नहीं है, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है तो उसके ऊपर डबल मार हो गई। जॉब है वो, कंपटीशन भी है, इतने व्यक्ति भी है, अब सैलरी उस हिसाब से कम मिलती है वहाँ पर। मेन मुद्दा है सर बेरोजगारी का,
और दूसरा हो गया स्वास्थ्य का, तीसरा शिक्षा का। इतना एजुकेशन होने के बाद भी मैं उमरिया बांधोगढ़ विधानसभा से बिलीव करता हूँ सर, और बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी को श्रेय है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, ये तो मुद्दा सॉल्व हो गया सर। अब ये मुद्दा रह गया है कि मैं बताऊं कि देश में आर्थिक स्थिति जो गरीबों की है, गरीबों का जम के शोषण किया जा रहा है। अब देखिए जैसे अपन ट्रेन में सर सफर कर रहे हैं, ठीक है, हमने टिकट ली है, टिकट लेने के बावजूद भी हमको सीट नहीं मिलता, खड़े खड़े हमको सफर करना पड़ता है, पेमेंट तो हमसे ले लिया गया पूरा। अगर हम विकलांग कोटे में भी जा रहे हैं, ठीक है, तो GRP आ गया, TT भी आया, तो हमको अदर चार्जेस देना पड़ता है। तो जी सर लेते हैं। तो सर मेरा ये कहना है कि अगर चार्ज ले रहे हैं आप तो एक बोर्ड लगवा दीजिए डोर पे, इन डोर पे, कि इस डिब्बे में सिर्फ ये दिव्य अंगों के लिए है। ये बड़ी समस्या देश में। और मोदी जी से मेरा ब्रिम आग्रह है कि गरीबी हटाइए या गरीब को उठाइए। ये कितनी बात में तकलीफ आप समझ रहे हैं कि या तो गरीबी हटा दीजिए या गरीबों को हटा दीजिए। ये दरअसल डायलॉग पहले भी आया है, लेकिन जब आप आम आदमी से इस डायलॉग को सुनते हैं तो उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। अब सरकार कह रही है महिलाओं को हक देना है, रिजर्वेशन। हाँ। तो राजनीति में जाने का मौका मिलेगा, जाओगे आप? हाँ। पक्का? हाँ। अच्छा, तो राजनीति में तो बोलना पड़ता, आप तो बोल ही नहीं रहे। राजनीति में बोलना पड़ता है, और जब आप पूछेंगे कि आप तो बोलती नहीं है तो स्वाभाविक सी हंसी चेहरों पर आ जाती है। इसी तरह का ये वोटर है, मैंने आपको बताया है कि ये रेलगाड़ी जिस पूरे पट्टी को कवर करती है वहां का वोटर ऐसा ही है, बहुत साइलेंट है। अंदर से भले ही वो वायलेंट हो, वो वोट के बटन दबाते वक्त भले ही वो अपना सुनाता हो फैसला, लेकिन कम से कम मुखर होकर अपने मुद्दों को रखने से थोड़ा सा बचता है, और ऐसा वोटर नेता के लिए बड़ा अच्छा होता है। लगातार ये सिलसिला जारी है, गाड़ी बुला रही है। तो इसी तरह पटरी पटरी ये सफर लगातार चल रहा है, गाड़ी बुला रही है। वोटर के मानस को भांपने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने इस ट्रेन के बारे में आपको बताया था, तकरीबन 1000 किलोमीटर। एक और बात कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड के जो लोग हैं वो भी इस ट्रेन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वोट करते हैं आप? क्या कुछ मुद्दा इस बार देख रहे? ट्रेन में बहुत फैसिलिटी अभी बढ़ा हुआ क्या है कि ट्रेन का साधन पहले जिससे बहुत अच्छा है। हाँ, ट्रेन में बढ़ी है सुविधा। हाँ, उसके अलावा हाँ, क्या लगता है चिकित्सा में, एजुकेशन में, रोजगार में? हाँ, ये सब सरकारी योजना जो है बढ़ा हुआ सब कुछ है अपना इधर का, हर स्टेट में, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या MP हो। आप झारखंड से? हम झारखंड से। झारखंड में तो बड़ी उथल पुथल चल रही है। हाँ, तो वहाँ का नेता लोग चोर बैठे हुए सब। अच्छा, GMM नेता लोग हैं। अच्छा। हाँ, और क्या, उनसे नाराज रहेंगे? लोकल क्षेत्रीय पार्टी से क्या उम्मीद कर सकता है, जब सेंट्रल में BJP है, यहाँ पे BJP हर जगह, तो उसके अलावा और कौन कर सकता है? अच्छा। जनता का देख रेख। ठीक, तो आपको उम्मीद है अभी मतलब बीजेपी से? BJP का सरकार बनेगा फिर वहाँ पे। अच्छा, और इस बार 24 में किसकी सरकार बन रही? आना चाहिए मोदी जी को फिर से रिटर्न। अच्छा। जनता का हर काम हो सके पूरा। हाँ। देश का भला हो। हाँ, लेकिन फिर भी चुनौतियां तो हैं, कहाँ कहाँ काम करने की? अब देखिए वो जनता के ऊपर है, उसमें तो अच्छा जनता किसके तरफ किस समय पलट जाना उसका कोई विचार नहीं, धारा नहीं। ठीक ठीक, तो जनता किसे अपना जनादेश सुना दे इसका कोई भरोसा नहीं। इस बार चुनाव में आपके यहाँ तो बड़ा फेरबदल हुआ, बड़ा चेंज हुआ। हम तो मोदी जी का भगवान समझते हैं अपने। अच्छा। हाँ, मोदी हमारे लिए भगवान जन्म लेके आए। अच्छा। हाँ। और क्या क्या और आपको उम्मीद है सरकार करे? वो मोदी ही सरकार बनेंगे यार इस बार। हाँ, कमी क्या है? तो कमी भी होगी। आज मोदी के हिसाब से तो बहुत ऐसे तो भाई बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। ट्रेन वगैरह में सब फैसिलिटी है? हाँ, सब बहुत फैसिलिटी। और भी कुछ लोग हैं बात करने की, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अम्मा वोट करते हो? नहीं आया। अरे कोई नहीं ना, जो जो आता वही बोलिए, सुन लेंगे हम। वोट डाले कि नहीं? हाँ, वोट डाले। तो क्या मुद्दा है इस बार? सब योजनाओं का लाभ वगैरह सब मिल रहा है? महतारी बंधन का लाभ मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है? अभी नहीं चालू होगा, फिर मिला।
तो जब ये योजना चालू होगी उसका लाभ मिलेगा, चूंकि ये गारंटी स्कीम रही है और बड़ा इससे लेकर एक उम्मीद की गई और उसका असर भी काफी देखा गया विधानसभा चुनाव में। वोट करते हो भैया? चुनाव में क्या है, अपना जो विष्णु देसाई है वो जो वादा किया है अभी पूरा नहीं किया है। अच्छा, उम्मीद है अभी जल्दी हो जाएगा? अब उम्मीद है हो जाएगा। हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ में तो बड़ा उथल पुथल हो गया इस बार विधानसभा में। हो गए। अच्छा, और बताओ क्या मुद्दा है आपके दिमाग में चुनाव को लेकर? चुनाव को पैसा डाल ही कहे थे। पैसा डाल ही कहे थे, तो पैसा नहीं डाला अभी? अभी नहीं डाले। अच्छा, फार्म भर दिया आपने? नहीं भरे हूँ, अभी मैं जाऊँ तब भर हूँ फार्म। जाओगे तब फॉर्म भर? वो भर डरे बार बार। अच्छा, क्या मुद्दा आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, देश के हिसाब से क्या मुद्दे? देखिए, देखा जाए तो अभी तो चुनाव में लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें मोदी जी फिर एक बार आएंगे जैसे लग रहा है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो मोदी की गारंटी बोलते हैं, है ना, तो उसका असर बहुत बड़ा है। जैसे महातारी वंदना योजना है ना, उसका सब लोग फार्म डाल रहे हैं ग्रामीण स्तर में सभी लोग, तो उसमें ये भी है कि 8 मार्च तक उसका दिया जाएगा पैसा बोल रहे हैं, है ना, प्लस उसके बाद धान खरीदी, धान में जैसे वादा किए थे 21 क्विंटल लेंगे 3100 में लेंगे, कह रही है कि वो अभी तक पूरा नहीं किया है। लेकिन 21 क्विंटल तो लिया है, 3100 नहीं दिया है अभी, उसको देंगे कहकर अभी चल रहा है। अच्छा, है ना, तो उम्मीद वो है तो, हाँ वो तो मिलेगा ऐसे पूरा उम्मीद है, 21 क्विंटल बोला था तो लिया है। आपके यहाँ तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में पूरा गेम ही पलट गया एकदम? हाँ, ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस पूरा आएगा लग रहा था, लेकिन ये हुआ कि जैसे पलटा कांग्रेस को भी पता नहीं चला कि कैसे हो गया कहकर। हाँ, इसमें मेन यही असर हुआ कि मोदी की गारंटी हुआ, मोदी का विश्वास करके ही सब लोग वोट दिए हैं, मेरे को ऐसे लगता है भाई। इंसान को तो हर चीज की सुविधा चाहिए ना, बस और क्या चाहिए, अब जो मोदी सरकार कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा कर रही है, हमारे लिए तो ठीक ही है। अच्छा, हम तो बेरोजगार हैं बाबा। मुद्दे आपके हिसाब से चुनाव में इस बार? मुद्दे तो सही है सर, इस बार तो बिल्कुल मोदी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, और उनके साथ साथ अभी जो अभी नए सीएम आए हैं अपना साहेब साहब, वो भी अच्छे हैं। रायपुर में अच्छा काम चल रहा है, और वैसे भी अभी मैं जहां भी देख रहा हूं बीजेपी का, मेरे को अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि उज्जैन में भी गया तो मेरे को उनका वहां पर जो डॉक्टर मोहन है डॉक्टर वहां पर वो भी मतलब सुव्यवस्थित पूरा सब कुछ बढ़िया रहा। मैं आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब कांग्रेस के साथ था उस समय भी गया था, और अभी 3-4 साल बाद गया था, तो अभी बहुत अच्छा रहा वहाँ पर, बहुत सुव्यवस्थित तो है, खाना वाना सब कुछ बहुत व्यवस्था है, बहुत अच्छा। बीजेपी मतलब है, काम कर रही है, वर्क कर रही है। लेकिन फिर भी और कहाँ फोकस करने की जरूरत है, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, कहाँ? सिर्फ कानून व्यवस्था थोड़ा सा तगड़ा करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जो ये हल्का फुल्का जो हो रहा है रेप वेप जो लड़कियों के मामले में, यही बस थोड़ा सा ज्यादा बेकार लगता है, गुंडागर्दी ये सब हो रहा है। रायपुर में तो चाकूबाजी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम वही रहते हैं, हम दिन ब दिन देखते रहते हैं वहाँ पर गुंडागर्दी ये वो सब, ये थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि लड़कियों के मामले में लड़कियां थोड़ी सी सेफ नहीं है ये सब गुंडे के चलते, और कांग्रेस के राज में जब चल रहा था तो गुंडागर्दी ज्यादा था, अभी बीजेपी आई है हमने खुद देखा है, मैं भी सीएम हाउस में वर्क करता हूँ तो मैं देखा हूँ कि बीजेपी आर्थिक अवस्था में बहुत कुछ बदलाव हुआ है रायपुर में, बहुत सारे ठेले बदले हैं, मुस्लिम समाज का सब हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, रात के 2-2 बजे तक पान ठेला खुला रहता था, वही बंद हुआ है, बंद हुआ है बीजेपी। तो कानून व्यवस्था एक मसला है, और निश्चित तौर पर इससे लेकर काम करने की भी जरूरत है, और ये बात सही है, रायपुर की अगर बात कर ली जाए, वहां किस बात पर कब चाकू निकल जाए, और हमेशा ये लगातार सुर्खियां बना है, अगर सिर्फ रायपुर की बात की जाए, ना सिर्फ रायपुर, कानून व्यवस्था तमाम जगहों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ, जैसे कि बेरोजगारी का कारण है और महंगाई भी बढ़ी हुई है, तो ये मुद्दे हैं। उस क्षेत्र में क्या है, रोजगार के लिए बहुत प्रॉब्लम है, मतलब लोग पलायन कर रहे हैं वहां से, दूसरी जगह जा रहे हैं काम के लिए, मतलब बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, पलायन कर रहे हैं लोग वहां से, मतलब क्या है, रोजगार के क्या है, इंतजाम नहीं वहां पे, हाँ लोग परेशान है, इंडस्ट्रीज भी नहीं है, नहीं इंडस्ट्रीज वगैरह भी नहीं है, कोल माइंस एरिया है लेकिन क्या है कि अब काली भी बंद हो रही है वहां पे, तो वही मतलब 2-4-5-10% बचे होंगे एम्प्लाइज, और अधिकांशता जो तो पेंशन भोगी बचे हैं वहाँ पे, सांस की समस्या बहुत ज्यादा, जी 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 जी, डस्ट की वजह से और कोयले का डस्ट जो होता है वो, हेल्थ सिस्टम ठीक है बाकी तो ठीक है, लेकिन जनरली
वही डस्ट की प्रॉब्लम रहती है। दरअसल तमाम जो कोल एरिया है और जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने रोजगार की कोल एरिया की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जहां पे भी कोल एरिया इस तरीके से कोल खदानें काम करती हैं वहां डस्टिंग और एक बड़ी समस्या लंग्स यानी जिसको लेकर अभी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे, लंग्स की समस्या, सांस की समस्या से ज्यादातर लोग वहां पर जूझते हैं। इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और वोटर के मानस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़े रेल नेटवर्क के साथ साथ सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क कोशिश कर रहा है लोगों से चर्चा के जरिए उनके मानस को समझने की, तो लगातार जारी रहेगा। गाड़ी बुला रही है। तो इस तरह से एक और जो गाड़ी बुला रही है उसका पड़ाव आ चुका है। मैं रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ, मुसाफिरों से हमने बात करने की कोशिश की लगातार। छत्तीसगढ़ के वोटर के साथ एक दिक्कत ये भी है कि छत्तीसगढ़ का वोटर बहुत मुखर होकर अपनी चीज़ों को नहीं रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो साइलेंट है तो वो वायलेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से अलग अलग रेल के सफर के जरिए हम वोटर के मानस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़े रेल नेटवर्क और सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का यह खास कार्यक्रम गाड़ी बुला रही है लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस संघ के लिए मुझे यानी ललित प्रजापति और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय को इजाजत दीजिए और लगातार देखते रहिए गाड़ी बुला रही है।